वंदन करता। परिवर्तन राजस्थान का, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है, चार यात्राएं सब अलग अलग दिशाओं में प्रारंभ हुई है। बाबा रामदेव जी के मंदिर से पश्चिमी राजस्थान की 33 विधानसभा सीटें को लेकर हमारा रथ कल किशनगढ़ जालौर में प्रवेश किया और सुंदा माता यहाँ होते, अभी बिनमाल भी मैं वहीं था क्योंकि एसपी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हूँ, तो मेरा दायित्व तो सब जगह बनता है कि मेरे समाज के लोग अधिक से अधिक इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और मैं उनको जोड़ूं, ये भी मेरा एक मिशन है। भील समाज तो हमेशा सुरवीर समाज रहा है, कोई आपसे छुपा हुआ नहीं, आपके बीरों पे, गांव पे, डाणी पे हमेशा जुड़ा हुआ और दिल से भी आपको उन लोगों से लगाव भी है क्योंकि वो आपके सामने ही जोड़ता है, वो आपका बेटा है, धरती पुत्र है, वो कि आपसे अलग भी नहीं है पूरा। लेकिन कहीं ना कहीं समय आता है उन चीजों को हम सबको भी ध्यान में रखना भी होता है। आज इस विशाल रानीवाड़ा सभा को मंच पर उप सिंह जी ने, आदरणीय मंजीराम जी सिलासन साहब ने और मुझे भी कहा कि रमेश जी इस सभा को हम राणीवाड़ा में कितना मजबूत करें, एसपी वरकपुर को भी आप जोड़ो और 36 कौम की सभा करते हुए इस सरकार को भी एक सवाल पैदा करें कि हम कुछ जनता कुछ नया चाहती है, कुछ नया करना चाहती है, क्योंकि बार बार जनता हमेशा जब 5 साल बाद ये वोट आते हैं, नेता क्या होते हैं, एक मेंढक की तरह उस समय बाहर निकलते हैं। जो एक नेता वास्तव में अच्छा होता है पूरे दिन आपके साथ दौड़ता है, गांव गांव घर घर ढाणी तक काम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एसी के कमरों में बैठकर कुछ लोग पता नहीं क्या कर देते हैं, टिकट किसका आना है, किसका क्या फाइनल कर देते हैं और जनता ठगी सी रह जाती है। मैं आप सबको अब जयकारे के साथ मेरी स्पीच आपके सामने प्रारंभ करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जुनून होना चाहिए क्योंकि जितनी जनता है इतनी आवाज तो यहाँ से जयपुर तक जानी चाहिए कि अब रानीवाड़ा की जनता कुछ नया चाहती है। बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जालौर जिला ओजस्वी जिला है, वीरों की धरती है, शूरों की धरती है। मैं जितना कहूँ इस जालौर का बखान करूँ वास्तव में उतना ही बहुत बहुत कम है। ये जबाली ऋषि की धरती है, यहाँ पर ये वीर वीरम देव की धरती है, ये शूरों की धरती है, वीरों की धरती है। इस जिले का जितना बखान करूं मैं आपके सामने उतना ही कम है। यहाँ पंच नदी तंत्र भी है, सांचो जिला भी है। आदरणीय मान जी के शरणों में नमन करता हूँ, पधारे आप मंच पर, पधारे मंच ग्रहण करें आदरणीय मान जी। शूरों की धरती है, वीरों की धरती है, लेकिन जिस संगठन को हम एक संगठित कर रहे हैं, लेकिन उस संगठन को संगठित करने के साथ कुछ हमारे नैतिक दायित्व होते हैं, वो इलेक्शन में आपसे पूछे जाते हैं, वो हम सब लोग नहीं निभाते। वो नैतिक दायित्व अब निभाने का समय, आदरणीय मान जी सब आपके चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं, सब जनता का आप आशीर्वाद प्रदान करें सबको। मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा इतिहास जालौर जिले का रहा है, यहाँ भक्त जिनालय है, यहाँ पवित्र सुन्ना माता का स्थल है, यहाँ पंच नदी तंत्र सांचूर भी है, वीरों की भूमि और सुरों की भूमि रही हुई है। इस जालौर के अंदर लोग कहते हैं कि आपके अंदर जिले में शिक्षा की कमी है, मानते हैं कुछ कमियां हैं हमारे इधर, लेकिन उस कमियों को सुधारने का काम किनका है, सरकार का काम है पूरा। अब मैं दो चार बड़ी बड़ी बातों को लेकर आपके सामने रखूंगा। पहला मेरा टारगेट रहेगा अशोक गहलोत सरकार, फिर रहेगी मोदी सरकार ने आपके लिए क्या क्या किया। अशोक गहलोत सरकार, उनके शहजादे राहुल जी ये जालौर में सभा करने आए थे और यहाँ कहकर गए थे, गिनती गिनकर गए थे, ये मेरे 70-80% यहाँ किसान भाई वर्ग यहाँ पर विराजमान है। गिनती पे कहा था कि हम आपका ऋण माफ करेंगे, क्या किसान भाइयों का ऋण माफ हुआ है कि नहीं? वास्तव में दिल से बोलो, हाथ खड़े करो, अगर हुआ है तो हाथ करो, नहीं तो मना करो। नहीं किया अशोक जी ने, सिर्फ मात्र जनता को पागल बनाने का काम किया और उसके आधार पर आपसे वोट चीने गए। एक मात्र पागल बनाने का काम करके जनता से वोट चीनने का काम जो करती है वो ये कांग्रेस सरकार करती है। अरे अशोक गहलोत जी, इस भोली भाली जनता को आप इस तरह से मत बौखलाओ। मेरा जालौर इतना सशक्त और मजबूत है कि वो वैसे अशोक जी के बातों में नहीं आने वाला है, क्योंकि हम तो देशभक्त और राष्ट्रभक्त इंसान है। हम कितना भी लड़ेंगे, आपस में करेंगे, लेकिन हमारा वोट राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की तरफ भी जाएगा पूरा हमेशा।
क्योंकि मैं आज यहाँ बैठे हुए रानी वाड़े की जनता को आगाह करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश दुनिया के अंदर हमारा नाम रोशन हुआ है, यहाँ पर आप पश्चिमी कंट्रीज के अंदर या तालिबान वगैरह में कैसी हालतें हो रखी है, उस चीज को अपन आने वाली पीढ़ी के लिए हमने सोचना होगा। हमारा जीवन तो आज और कल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी पीढ़ी आने वाले सुकन में कैसे जिए, हमारी संस्कृति और सनातन कैसे हमारा अमर रहे, उसके लिए हम सबको जागना और हमारे संपूर्ण समाजवासियों को जागृत करना होगा। क्या हम इस धरती से शपथ लेते हैं कि नहीं? हम सबको एक ओंकार के साथ ये लेनी चाहिए कि हमारा विजन एक राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद ही रहना चाहिए पूरा। अब समय मेरे किसान भाइयों, मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। अब किसी की बातों में और बहकावे में आने की जरूरत नहीं है पूरा, क्योंकि आपका अंगूठा स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। जो अच्छा लगे वही करना है, आपकी आवाज को उठा सके, आपकी आवाज को सक्षमता से आगे बोल सके, पारदर्शिता के साथ बोल सके, सत्य को सत्य का ही कह सके, असत्य को असत्य बोल सके, ऐसा नेता चुनने का समय आ गया है। अगर नहीं चुनोगे तो हम हमेशा जनता गिरती, जो पहले कहते मारवाण में घटी की तरह अपन पीछते रहेंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला पूरा। हम लोकतंत्र में क्या चाहते हैं? एक स्वच्छ राजनीति चाहते हैं, एक पारदर्शी राजनीति चाहते हैं। हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया कि हमने यहाँ से जालौर से 4 सीटें भेजी, सांचौर की सीट तो आपस में हमने लल लड़कर खराब कर दी, बाकी मेरी जालौर की तो 5 और 5 सीटें विजयी है। वैसे हमें कमी नहीं है, अरे धोखा तो उन पूर्वोत्तर सीटों में हो गया, हड़ौती और सेकावटी सत्र में, जहां हमारी भाजपा की सीटें नहीं निकली और सरकार कांग्रेस की बन गई, नकारा सरकार बन गई, निकम्मी सरकार बन गई। इतनी अनगिनत इनकी कमियां हैं, जितने मैं इनकी बुराई करूं उतना उनकी बुराई करते करते मैं गिनाते जाऊं कम पड़ जाएगी। युवाओं को इन्होंने कहा था कि हम आपको रोजगार देंगे, अरे अशोक गहलोत साहब, ये राणीवाड़ा की जनता आपसे पूछना चाहती है, कहां गए आपके रोजगार? आपका रीट का पेपर बिक गया, 17 पेपर बिक गए, किसानों के बच्चे भले भाले मेहनत करके ये पसीना बहाकर जयपुर दिल्ली तैयारी करने भेजते हैं, टीचर की तैयारी करेगा, मेरा बेटा पुलिस बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आरएएस बनेगा। अरे आपने आरपीएससी को तो पूरा उसके ऊपर काली स्याही लिपोती है। अशोक गहलोत साहब आपको शर्म आनी चाहिए, आपका मंत्री लिप्त है, आपके प्रशासनिक अधिकारी उसमें भ्रष्ट है। ये जनता में क्या कमी है? टैक्स ये जनता देती है, मजे ये मंत्री करते हैं, पैसा आपके एक एक कमाई और बूंद का वहां तक सरकार के खाते में जाता है। आपका हर पैसे का हक मांगने का अधिकार है, आप एक जनप्रतिनिधि से पैसे का हिसाब मांगो, चाहे आपका सरपंच हो, चाहे आपका प्रधान हो, चाहे आपका एमएलए हो, आपको 5-5 करोड़ आपको खोटे की मिलते हैं। हमारे विकास के लिए क्या काम किया? मैं आपको आज आगाह करना चाहता हूं, मात्र ये ब्याज भट्टे और छठे भट्टों में लगे रहते हैं, बाकी इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मेरा परसेंटेज मुझे कैसे मिले उसमें लगे रहते हैं, 10 लाख स्वीकृत किए, भाई मेरा 1 लाख देकर जा। सर माने चाहिए नेताओं, इसलिए तो जालौर की ऐसी हालत करके रख दी आपने। हम जाते हैं दूसरे जिलों के अंदर, कैसी आलीशान सड़क है, ये बाड़मेर ज्यादा दूर नहीं है आपके यहाँ पर। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस विकास की नीति के अंदर अगर सबसे बड़ी सीढ़ी होती है तो आपका नेता होता है। अगर नेता अच्छा चुनोगे ना तो आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अगर आपने नेता गलत चुन लिया तो मैं ये वादे के साथ कहता हूँ कि 5 साल गिरटी की तरह पीछे हो गए, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि टिकट लाने वाला लाएगा, जीतने वाला जीतेगा, हम सिर्फ मूर्ख बनकर रह जाएंगे सिर्फ। अब मूर्ख नहीं बनना है राणीवाड़ा वालों, दोनों कान खोलकर सुन लो, परिवर्तन आपके हाथ में है। आप जिसको भी, आपके जनता के अंदर इतनी ताकत है, आपकी सभा में से आप जिसको टिकोन उसको, जिसको टिकट कर दो ना उसको एमएलए आप बना सकते हो, इतनी ताकत है आपके अंदर। वो ताकत अब लानी पड़ेगी बाहर, खूब मदारी आएंगे बाहर निकलकर, डमरू बजाएंगे, लेकिन शिवजी का रूप लेकर जो डमरू बजाने वाला है उसको आप अपने माइंड और मस्तिष्क में रखना, क्योंकि डमरू बजाकर सिर्फ नचाकर चले जाते हैं, क्योंकि नेता का काम ही यही है। वो दिल की बात कभी बोलते नहीं, बनावटी बात आपके सामने मंच पे करते हैं, दिल की बात कभी नहीं बोलते। कोई नेता कह रहे मैं वास्तव में दिल से बोल रहा हूं, वो 100% झूठ बोल रहा है, सिर्फ बनावटी बातें करते हैं। और बनावटी बातें कर गांव घर ढाणी और भोली भाली जनता को ये सिर्फ क्या करते हैं? गुमराह बनाते हैं, मात्र गुमराह बनाते हैं। 5 साल का आपने विधायक चुने, आपने प्रधान चुने, जिला प्रमुख चुने, हिसाब मांगो उनसे कि आपने हमारे लिए क्या किया, सरकार से कितना बजट आता है। आजकल सब पारदर्शिता है, सरपंच का कोटा चेक कर सकते हो आप,
कि मेरी पंचायत में एक साल में कितना काम हुआ है, पूरा ऑनलाइन पढ़ा है। देखो उसको एक एक चीज को खंगालो। जिला प्रमुख ने कितना काम किया उसका एक एक काम देखो। विधायक मत आपकी मत है, विधायक नहीं, विधायक को आप बनाते हो, विधायक कोई चीज नहीं होती, ये जनता विधायक है, सब बैठी हुई, एक एक नागरिक का विधायक है। उसको तो आप चयनित करते हो तब वो विधायक बनता है, जिसको आप नकारते हो वो घर बैठ जाता है। इसलिए मैं आज यहां रानीवाड़ा के बैठे हुए सब प्रबुद्ध नागरिकों और देवतुल्य जनता से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अपने माइंड और मस्तिष्क के अंदर एक पारदर्शी राजनीति लाओ। पारदर्शी मतलब आप सब तरीके से देखो, जानो, परखो और मंथन करो कि आने वाला इलेक्शन 3 महीने के बाद और हमें क्या करना है। आप दिल में तय करो, संगठित बनो और उसके बाद अपना निर्णय लो कि हमारा नेता ऐसा होना चाहिए। और उस नेता को भी ठक पीट के कहो कि भाई देख, तुझे हम दावेदारी करवा रहे हैं, अगर तुम भी गद्दार निकल गए तो हमारा कोई नहीं है। फिर मैं आप सब यहां बैठे हुए देवतुल्य जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गहलोत सरकार ने जिस तरीके की जो योजना लेकर आए, सिर्फ मूर्ख बनाने की योजना है मात्र। अब 4 साल होने को जा रहे हैं, रोड़े बनाने लगे। अब ये महंगे रात कैंप, मैं रहेंगे महंगे रात कैंपों में जाके मैंने देखा ऐसी हालत हो रखी थी। मैंने प्रशासनिक अधिकारी से पूछा, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं, भाई ये तहसीलदार साहब, ये आपके SDM साहब, ये क्या हो रहा है आपके, क्या साहब सरकार का ऑर्डर है, कैंप तो हमें करवाने पड़ेंगे, जनता मर रही है ना, आप कुछ नहीं, कोई कागज नहीं, वो चीज नहीं, कौन से पट्टे बनेंगे, कौन से क्या करेंगे, आप जनता को मूर्ख क्यों बना रहे, फालतू बुलाकर वहां पर, और अशोक जी ने बड़ा बड़ा बैनर लगाकर फोटो लगा दिया वहां पर। अरे इस तरीके से झुंझुने दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां काम तो आपका एक दिन कुछ भी हुआ ही नहीं, पूरे दिन हमने 3 दिन खराब कर दिए, फिर कहते हैं हमने महंगे रात कैंप किए, कौन से महंगे रात कैंप है, 4 साल तो आपने पूरी लूट मचा के रख दी, मंत्री घर भरने भरने तक चुले हैं, उनको पता है कि अब हमारा नंबर नहीं आने वाला कि 100 PDO का इल्टा कर लो, यही इनकी सरकार की नीति है। ऐसी नीति रखने वाले सरकार को उखाड़ फेंकना है अपन सब लोगों को मिलकर। परिवर्तन चाहते हो कि नहीं, राजस्थान में तो 100% परिवर्तन होगा ही होगा पूरा, और यहां से पार्टी आप तय करोगे कि आपका कैंडिडेट कौन होना चाहिए, आप तय करोगे कि आपका कैंडिडेट कौन होना चाहिए, और उस कैंडिडेट को कहो कि रानीवाड़ा के अंदर, मैं तो ये कहता हूं कि इतने नेताओं का अकल क्यों नहीं आती, हर ग्राम पंचायत का एक मास्टर रोल प्लान बनना चाहिए, क्या काम नहीं होते 5 साल के अंदर, 25 काम तय करो, अरे 25 काम तय करेंगे, 1 साल में 5 हुए तो 5 साल मिलते ट्रम्प साहब, वो 25 काम हर ग्राम पंचायत में होंगे, 25 काम बहुत बड़ी बात होती है साहब, कम नहीं होती 25 काम, 25 टंकियां बन जाए, 25 सड़कें बन जाए, क्या काम बाकी रहता है सरकार से, आप लोकतंत्र में लोग क्या मांगते हैं, अच्छी सड़कें मिले, अच्छा हॉस्पिटल मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, और हमें सुरक्षा मिले, क्या मिले, सुरक्षा, कैसी हालत है, आए दिन यहां पर मतलब पता नहीं झालर में क्या कब कुछ क्या हो जाए, कुछ भी पता नहीं चलता अपन को, ये हालत है अशोक गहलोत साहब, इतना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा पड़ा इनका। मैं आज आपको कहता हूं जो उसकी सरकार बनती है उनके ही टट्टू लोग लाकर ये बिठाते हैं अपने प्रशासन में, कलेक्टर भी इनका होता है, SP भी इनका होता है, इशारा पर इनका काम करता है, बड़े बड़े मामले दबा दिए जाते हैं। मुझे बड़ी दुख की बात होती है इस जिले के अंदर, मैं तो मेरे समाज का ही कहूंगा, एक भील समाज का, कि मेरे भील समाज के इस जिले के अंदर 10 मर्डर हो गए और ये लानत सरकार उन केस को नहीं खोल सकी। 3 दिन धरने पर हम रोते रहे, एक भी नेता नहीं आया, सिर्फ वोट शॉट की राजनीति धंधा है। अरे कोई भी काम करने वाला होता है जुर्मकारी होता है, किसी का मर्डर करने वाला वो इंसान नहीं होता, वो पापी होता है। भील समाज की हमारी बहनें वहां पर क्या हालत करके रख दी, 2 बहनों के साथ स्कूल की बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, उनको मारकर नहर में डाल दिया, मतलब सरकार की ममता मर गई, उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं तो धिक्कार करता हूँ कि जिला की SP भी महिला थी, और मैंने उनके फोन पे भी बात किया था कि आप जिले की पुलिस अधीक्षक हो, आप महिला हो और वहां पर बच्चियां मारी जाती है, शर्म आनी चाहिए, सांसुर दूर नहीं, आपको वहां तक जाना चाहिए और उसकी सुध लेनी चाहिए, ऐसी हालत हो रखी है। अभी भरतपुर के अंदर घटना हुई, मैं आपके सामने क्या होगा, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, 8 या 10 साल की बच्ची को रेप करके उसको मार देते हैं सर पे चोट लगाकर, उसकी डेड बॉडी, वो मरती नहीं है तो उसकी डेड बॉडी जलती हुई भट्टी में डाल दी जाती है, वहां पर नहीं जलती तो उसको काट दिया जाता है। कहां गई सरकार, लोकतंत्र में सरकार क्यों चुनते हम लोग कि हमें सुरक्षा मिले, हम घर में सोते हुए सुरक्षित नहीं है, हम सबको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है, हम सरकार क्यों बनाते हैं कि हमें सुरक्षा मिले, कहां है सुरक्षा, कोई नाम की सुरक्षा नहीं है यहां पर।
यहां पर हर आदमी भयभीत है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का काम पुलिस विभाग का होता है और जालौर की पुलिस हर तरीके से फेलियर है पूरी। अगर पुलिस में फेलियरिटी नहीं होती तो शायद तक जालौर की ऐसी हालत नहीं होती पूरी। हर समाज पुलिस विभाग से पीड़ित है, क्योंकि वो दिल से संवेदना नहीं करते, क्योंकि वो घटना हमारे अगर आपके घर में घटित होती तो कितना दुख होता है वो उनको संवेदना उनको पता नहीं, क्योंकि उनके ममता बिल्कुल मर चुकी है पूरी। आप सब यहां पर बैठे हुए सब रानीवाड़ा के प्रभुत देवतुल्य जनता से निवेदन है कि हम सब लोग अब जागरूक हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। राजस्थान की भाजपा परिवर्तन चाहती है तो रानीवाड़ा भी परिवर्तन चाहता है। आप तो कुछ न कुछ परिवर्तन किसका चाहते हो वो आपका दिल और दिमाग और मस्तिष्क सब जानता है। मैं मंच के नाम से किसी भी नेता या नागरिक का कोई भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपका दिमाग, आप सब बुद्धिजीवी अपन सब भोजन करते हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है, बेबाक होकर सब आपको अपनी आवाज रखने की जरूरत है पूरा। आप लोकतंत्र में जी रहो, कोई राजतंत्र नहीं है, ये राजा का बेटा ही राजा बने, ये कहीं नहीं लिखा है आज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप तय करोगे, आपका वोट तय करेगा कि आपका नेता कौन बनेगा। तय करोगे कि नहीं करोगे, आप सब हाथ खड़े करके बताओ, अब इस बार तय करना है। मेरी जहां तक आवाज आ रही है, अब रानीवाड़ा को जनता को तय करना है और निश्चित करना है कि बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज ये 36 कौन अपने जड़ों के अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाने देंगे, नहीं तो हम लोग खोखले हो जाएंगे खुद। वही घुमाकर वापिस वही चेहरे। अरे कार्यकर्ता तो खूब सारे लाखों लोग हैं, अच्छा कार्यकर्ता आपके अंदर बैठा है। भाजपा का बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हो सकता है, गांव गरीब गाड़ी का हो सकता है, क्या उसका मन नहीं करता आगे आने का? लेकिन ये नेता और कुछ लोग जो चयनित कर लेते हैं ना अपने, जो उनकी डफली बजाते हैं, उनको दिल्ली का टिकट मिलते हैं, वही प्रधानमंत्री, वही प्रमुख बनता है, वही ऐसी चीजें हो जाती है पूरी। जो सामने बोलते हैं ना तो उनको जलन होती है, जलन क्वेश्चन करते हैं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, अशिक्षित नहीं हूं, ठीक है नहीं। पहला भील समाज का बंदा हूं, मैंने विधिवत तरीके से डॉक्टरेट की डिग्री पीएचडी हासिल की है, शिक्षा की डिग्री, वो डॉक्टर नहीं, शिक्षा की डिग्री बड़ी डिग्री होती है। इसलिए हम कहते हैं कि सत्य के रास्ते पर चलो। मेरे समाज को भी मैं सुधारने के लिए बहुत ही आह्वान करता हूं। मेरा यहां पर सतीश को मारा गया, मेरे भील समाज के भाई बंधु भी आ रखे हैं, इतनी इन्होंने अपनी इमेज खराब कर रखी है पूरी। कुछ उनके अंदर बहुत अच्छाइयां भी है लेकिन कुछ बुराइयां भी है उनके अंदर, वो आप और हमसे नहीं छुपी है। वो उनको धीरे धीरे, मैं तो कहता हूँ धीरे धीरे उसको सुधार करो। अगर बड़े सुधार करेंगे तो आपके छोटे बच्चे अनुसरण करेंगे, तो वो एक दिन जरूर जरूर कहेंगे आप एक नव पीढ़ी सुधरती हो जाएगी। आज नहीं तो 5 साल बाद थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो आएगा ही आएगा पूरा। पूरी जयनारायण व्यास विद्यालय वहीं जाकर मैंने एजुकेशन ली, लेकिन मैंने वास्तव में सोचा मैं अच्छी नौकरी भी ले सकता हूँ, मैं अच्छा प्रोफेसर बन सकता हूँ। दो बार मैंने आरएस के इंटरव्यू फेस किए, फाइनल में सिलेक्ट नहीं हो सका, लेकिन 2 बार मैंने फेस किए। मैंने वो चीजें सब पढ़ी है, गलत और सही चीज क्या होती है। लेकिन जब मैं पीछे की सब चीजों को जाकर देखता हूँ कि किस तरीके से ये लोग इस भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, बहकावे में लाते हैं और अपना शासन हथिया लेते हैं। अब किसी को बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, आप हर नागरिक स्वतंत्र हैं अपने। देखो एक कहावत है कि सुनो सबकी और करो दिल की। आपका मन क्या कहता है, आपको अच्छा क्या लगता है कि मेरे लिए कौन अच्छा कर सकता है, उसकी ही बात को अपन को अब गौर करना है और सुनना है पूरा।